वलसाड कॉलेज की युवक युवती को ब्लैकमेल कर रहा व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। युवक युवती की फोटो खींचकर उन्हें कर रहा था ब्लैकमेल। वलसाड़ के गांव में रहती युवती और पार्डी में रह रहे एक युवक में प्रेम संबंध है। इसकी जानकारी मिलते ही युवती के गांव में रहने वाले नरेश नाम के व्यक्ति ने इन दोनों के फोटो अपने मोबाइल फोन में खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को युवती अपने ही किराने की दुकान में बैठी थी, तब वलसाड़ डिस्पेंसरी रोड बरूड़ियावाड़ी में रह रहे नरेश गोपाल पटेल उर्फ वली ने दुकान पर आकर युवती को धमकाया और अपने पास उसके और उसके प्रेमी के फोटो होने की बात कहते हुए नरेश ने उस युवती को खुद के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर दिया और ऐसा न करने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद नरेश आए दिन इस युवती को फोन करके अवैध मांग कर रहा था, जिससे युवती बहुत डर गई थी। लिहाजा युवती ने अपने प्रेमी और परिवार वालों को सारी बात बताई। ऐसे में सभी सरफिरे से छुटकारा पाने के लिए वलसाड़ DYSP से जा मिले, जिन्होंने उनकी फरियाद पर तुरंत कार्यवाही करते हुए वलसाड़ पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। वलसाड़ पुलिस ने युवती की फरियाद पर आरोपी नरेश उर्फ वल्ली को धर दबोचा। बता दें कि नरेश उर्फ वल्ली पहले भी कई बार जेल जा चुका है। ऐसे में नरेश पर इस मामले में सख्त कार्यवाही की जाए, ऐसी मांग उठ रही है। वलसाड़ जिला में वलसाड़ टाउन पुलिस स्टेशन विस्तार में दरिया किनारे एक जगह जाहिर स्थल पर एक पुख्त वयना छोकरा छोकरी बैठेला था। ते दरमियान एक ईसा में तेवनु मरजी विरुद्ध अने तेवनी संमति वगर फोटो पाड़ी लीधेलो हतो अने तेना अनुसंधाने आ छोकरी ने आ आरोपी के जे ईसम ने फोटो पाड़ी लीधेलो तेणे ब्लेकमेल करवानुं शुरू करेलू अने तेमां तेणे जणाव्युं के आ छोकरा जोड़े तारा प्रेम संबंध छे, ते तारा माता पिता ने कही दईश अने जो तारे आ वात छुपावी होय तो तारे मारी साथे शारीरिक संबंध राखवो पड़शे। ते अनुसंधाने छोकरीए तेना माता पिता अने परिवारना माणसने वात करता पोलीस स्टेशन आवेला अने ते अनुसंधाने आ छोकरीनो जे ब्लेकमेलिंग करी અને તેની વિરુદ્ધમાં તેની સાથે શરીર સંબંધ બાંધવાની માંગણી કરેલી તે અનુસંધાને વલસાડ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને તેમાં જે IPC 354માં જે સુધારો કરવામાં આવેલો છે તેની જોગવાઈ અનુસંધાને ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે, એક્સ્ટ્રોશનનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં આ એક ઈસમ નરેશ કરીને જે ફરિયાદ આપવામાં આરોપી તરીકે જણાવેલો તેને પણ ગુનાના કામે અટક કરવામાં આવેલો છે અને તેની પાસેથી અન્ય કોઈ ગુનાઓમાં સંકળાયેલું છે કે કેમ તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહેલી છે। તેના મોબાઈલની પણ માહિતી એકત્રિત કરી તેમાં અન્ય કોઈ આવું બીભત્સ સાહિત્ય કે કોઈ વિગત મળી આવે છે કે કેમ તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહેલી છે।